नमस्कार साथियों, मैं दीपक कुमार साहू एक बार फिर से आप सबका न्यू लाइट विद दीपक में स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्या देखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण चीज। एक वीडियो मैंने बनाया था ये चतुर्भुज का, इसका क्षेत्रफल मैंने निकाला था और उसको उस क्षेत्रफल को बहुत लोगों ने कहा कि गलत है और कमेंट भी आया, बड़े अजीब अजीब कमेंट आए। हालांकि बहुत सारे लोगों ने इसकी प्रशंसा भी की है, लेकिन फिर भी मैंने ये वीडियो डिलीट नहीं किया, मैंने प्राइवेट नहीं किया, क्योंकि मैंने बिल्कुल सही बनाया था। तो सबके कमेंट का जवाब कमेंट में देना उचित नहीं समझा और सबका दे भी नहीं सकता था, इसीलिए मैंने समझा कि इस पर एक वीडियो बना के आपको संतुष्ट कर दूं कि मैंने इसका जो क्षेत्रफल निकाला वो क्यों सही है और आप जो बता रहे हैं वो क्यों गलत है। देखिए, इसमें ये जो चतुर्भुज की भुजा है 40 मीटर है और ये 30 मीटर है। अब मुझे याद नहीं है कि उसमें फीट था या मीटर था, उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन 40, 30, इधर 50 और इधर 46, यह एक चतुर्भुज है। अब इस चतुर्भुज में मैंने एक डायगोनल खींचा है, विकर्ण। ये विकर्ण इसलिए खींचा है ताकि इसके दो भाग हो जाएं, पहला भाग और दूसरा भाग। ये कौन सा भाग है, त्रिभुज का पहला भाग और ये त्रिभुज का पहला भाग, क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना बहुत ही आसान होता है अगर उसकी तीनों भुजा दी गई हो। ठीक है, अब मैंने जब डायगोनल निकाला तो मैंने बताया कि ये होगा 50 मीटर। ठीक है, और कुछ लोगों ने कहा कि 50 और 46 के हिसाब से तो ये कभी भी 50 नहीं आएगा, क्योंकि विकर्ण हमेशा भुजा से बड़ा होता है। बहुत सही आपने पढ़ा है, विकर्ण हमेशा भुजा से बड़ा होता है। विकर्ण बड़ा होता है यानी कि कर्ण बड़ा होता है, ये इस त्रिभुज का कर्ण नहीं है। कर्ण का मतलब होता है कि जो समकोण त्रिभुज हो, जैसे ये मान लीजिए एक समकोण त्रिभुज है, यहां ये 90 डिग्री का कोण है। अगर 90 डिग्री का कोण है तब उसके ठीक सामने वाली भुजा को कर्ण कहा जाता है और वो कर्ण हमेशा बगल वाली दोनों आधार और लंब से बड़ा होता है। तो पहले तो आप ये जान लीजिए कि कर्ण जो हमेशा भुजाओं से बड़ा होता है वो कर्ण की परिभाषा क्या है। कर्ण की परिभाषा एक लाइन में ये है कि 90 डिग्री के ठीक सामने वाली भुजा को कर्ण कहा जाता है। तो क्या ये 90 डिग्री का कोण बना है यहाँ, बताइए आप। ये 90 डिग्री का कोण नहीं है कि इसके सामने वाली भुजा ये कर्ण कहलाएगी। ये 90 डिग्री से बहुत कम कोण है, हो सकता है 60 डिग्री हो या 75 डिग्री हो, न्यून कोण है, लेकिन ये 90 डिग्री नहीं है। अगर ये 90 नहीं है तो ये कभी भी इसके हिसाब से कर्ण नहीं है। इसका मतलब कि 50 और 40 के हिसाब से पाइथागोरस प्रमेय से ये लाइन यानी ये भुजा नहीं निकलेगी, क्योंकि ये त्रिभुज समकोण त्रिभुज नहीं है। केवल समकोण त्रिभुज में ही पाइथागोरस प्रमेय लगता है, लेकिन दूसरे त्रिभुज की बात करेंगे तो ये समकोण त्रिभुज है। कैसे, यहाँ 40 है और यहाँ 30 है, मैंने इन भुजाओं को बिल्कुल आपको समकोण पर दिखाने के लिए ही सीधा खींचा है। ये समकोण है और इसके ठीक सामने वाली भुजा कर्ण है। तो ये जो 50 आया इस 40 और 30 के हिसाब से आया है, इस 50 और 40 46 के हिसाब से नहीं आया है। ठीक है, अगर आपको लगता है कि नहीं 50 नहीं होगा तो आप क्या करिए, आप मैंने ये खेत का चित्र बनाया है ना, तो आप जिस तरह से खेत में इसको 50 नापेंगे, इसको 46, इसको 40, इसको 30, तो यहां से एक डोरी लगाकर एक डोरी यहां मिला दीजिए और देख लीजिए कि 50 आता है कि नहीं। 50 ही आएगा, क्योंकि ये 50 इन दोनों के हिसाब से है। अब प्रश्न ये उठता है कि आप कह रहे हैं कि गलत है, तो सही क्या है। आप सॉल्यूशन भी तो भेज सकते हैं, सॉल्यूशन भेजिए तो मैं विचार करूंगा कि हाँ सही है आपका। देखिए, अगर इस फर्स्ट वाले त्रिभुज को मैं निकाल कर बाहर कर दूं, 50, 50, 46, तो बताओ क्या ऐसा त्रिभुज नहीं बनता जिसकी दो भुजाएं बराबर हो। जिस त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होती हैं उस त्रिभुज का नाम क्या है, समद्विबाह त्रिभुज, समद्विबाह। और समद्विबाह त्रिभुज के बाद जो तीसरी भुजा होती है वो इन दोनों से बड़ी भी हो सकती है, इन दोनों से छोटी भी हो सकती है। ठीक है, समद्विबाह त्रिभुज की ये विशेषता है। तो ये जो पहला वाला त्रिभुज है ये समद्विबाह बन गया है और इसके सामने वाली इधर वाली भुजा
हो सकता है कि इनसे बड़ी भी हो सकती है और छोटी भी। बात क्लियर हो गई कि यहाँ पे संपूर्ण नहीं है, इसलिए 50 और 46 के हिसाब से पाइथागोरस प्रमेय इसमें नहीं लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय केवल इसमें लगाएंगे। अब इसके हिसाब से जब आप चेक करेंगे तो समझ में ये आएगा कि जो क्षेत्रफल निकलेगा वो दो त्रिभुजों के योग के बराबर होगा। तो जो पहले वाले का ही निकाल लेते हैं, पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इन तीनों को जोड़ेंगे। अब ये जो 50 मीटर है ये इन दोनों की कॉमन भुजा है, ये 50 इसके भी क्षेत्रफल निकालने में काम आएगा, इसके भी निकालने में काम आएगा। तो 46 50 50 जोड़ेंगे कितना होगा, 50 50 100 और 46 146 और इसका आधा कर दीजिए तो 2 × 7 = 14, 2 × 3 = 6 = 73, यानी कि इस त्रिभुज का अर्ध परिमाप 73 मीटर है। अब आपको निकालना है क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला क्या होता है, रूट के अंदर अर्ध परिमाप लिखिए और अर्ध परिमाप में बारी बारी से तीनों भुजाओं को घटा दो, या फिर समद्विबाहु त्रिभुज है तो उसका एक अलग सा फार्मूला होता है, आप उस फार्मूले से भी लगाओगे तब भी यही क्षेत्रफल आएगा, जो कि मैं जो निकाल रहा हूं उससे। 73 में 50 गया 23, फिर 73 में 50 गया 23, फिर 73 में 46 गया, 73 में 46 घटा दो, 73 - 46, 13 में से 6 निकला 7, 6 में से 4 निकला 2, 27, सबका गुणा कर दीजिए, गुणा का मतलब 73, 23, 23, 27, सबका गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 10, 42, 65, 9, 10, 42, 65, 9। अब इसका वर्गमूल निकाल दीजिए, इसका वर्गमूल निकालेंगे तो आएगा 1021.10 वर्ग मीटर, पहले वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल। दूसरा त्रिभुज चूंकि समकोण है तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना बहुत आसान होता है, आधार में लंब का गुणा करके आधा कर दो। तो दूसरे वाले का क्षेत्रफल निकालना है तो आधार 40 लंब 30, आधा मतलब 2 का भाग, 2 × 20 = 40, 20 × 3 = 60, 600 वर्ग मीटर। अब कहेंगे कि ये 50 जो था वो कहां गया, तो समकोण त्रिभुज में जो कर्ण होता है क्षेत्रफल निकालते समय उसका इस्तेमाल नहीं होता, अगर आप उसका इस्तेमाल करते हो तो फिर समकोण त्रिभुज के हिसाब से क्षेत्रफल नहीं निकालोगे, फिर जैसे इसका निकाले हो ये वाला अर्ध परिमाप निकाल के वैसे ही निकालोगे, तो वैसे ही करोगे तब भी वही आएगा जो कि 40 और 30 के हिसाब से आएगा। ठीक, तो चूंकि जल्दी हो जाता है कि आधार और लंब का गुणा करके आधा कर दो, तो इसीलिए ऐसा कर दिया जाता है समकोण त्रिभुज में, बाकी औरों में नहीं। तो अब पूरा क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 600 + 1021.10 जोड़ दो, 10, 1, 2, 6, 1, 1621.10 वर्ग मीटर, ये बिल्कुल अब सही है। फिर भी अगर आपको लगता है कि गलत है तो आप केवल गलत मत कहिए, आप उसका सोल्यूशन मेरे व्हाट्सएप पे भेजिए, मैं देखूं, विचार करूं। ठीक, ऐसे ही नहीं, मैं गणित का अध्यापक हूं, गणित का टीचर हूं, गणित पढ़ाता हूं, तो इसका मतलब कि जरूर आप उस पर विचार किया करिए। मैं ये नहीं कहता कि गलत हो सकता है, गलत होगा बिल्कुल, लेकिन जब एक दो लोगों ने कमेंट किया तो मैं जरूर उस पर विचार करता हूं कि क्या ये गलत है, और मैं फिर से चेक करता हूं, गलत हुआ तो डिलीट कर दूंगा, और नहीं गलत है तो डिलीट क्यों करूं। सही जो है वो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कि हाँ ऐसे लगेगा, या व्हाट्सएप पे भेजिए, तब मैं आपको समझूं कि हाँ आपको बेहतर नॉलेज है, वरना जो मैं पढ़ा रहा हूं आप इसको नोट्स बनाइए, अच्छे से तैयार करिए, बिल्कुल सही है, कोई भी गलत नहीं है। अगर आप मेरे पैड क्लास में जुड़ना चाहते हैं जिसकी फीस 1000 रुपये है, अमीन का स्पेशल क्लास चल रहा है, बहुत सारे लोगों ने उसमें एंट्री लिया है और उसकी पढ़ाई भी हो रही है, तो अगर आप चाहते हैं तो उसमें लगभग 20 मिनट से बड़ा वीडियो मैं बनाता हूँ, 4 महीने का क्लास है, यानी कि 120 वीडियो रहेंगे उसमें, फीस मात्र मैंने 1000 रुपये रखी है। जितने लोग उसमें जुड़े हैं मैं उनके पास ही लिंक भेजता हूँ और वो अच्छे से नॉलेज ले रहे हैं अमीन का कोर्स। तो अगर आप भी करना चाहते हैं तो आप इस स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप मुझे डायरेक्ट कॉल करके बात कर सकते हैं और अच्छे से पूरी विस्तृत जानकारी ले सकते हैं। और दूसरी बात, आप मुझे अगर फोन करते हैं तो बहुत जरूरी हो तभी दिन में करिए, वरना 8 बजे के बाद, रात में 8 बजे से लेकर के 12 बजे तक आप कभी भी कॉल कर सकते हैं।
व्हाट्सएप कभी भी कर सकते हैं, लेकिन कॉल करना है तो कृपया 8 बजे के बाद ही करिए, बहुत जरूरी हो तभी दिन में। ठीक, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।